आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के कक्षा छठवीं और कक्षा नौवीं के 4,60,000 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों के खाते में साइकिल के लिए 207 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के बरखेड़ा स्थित शासकीय महात्मा गांधी स्कूल परिसर में 81 करोड़ की लागत से बनने वाले सीएम राइज स्कूल भवन का भूमि पूजन किया। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कहा कि सीएम राइज स्कूल अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं ताकि गरीब के बेटा बेटा भी खूब पढ़े और आगे बढ़े। शानदार बिल्डिंग, अच्छे क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, खेल के मैदान समेत सभी आधुनिक सुविधाएं सीएम राइज। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीब के बेटा बेटी में भी बुद्धि, टैलेंट और प्रतिभा होती है। अगर उनको प्राइवेट स्कूलों जैसे अच्छे संसाधन वाले स्कूल मिल जाए तो वो भी चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए हमने कोविड बीमारी के दौरान ही वर्चुअल माध्यम से कई विशेषज्ञों को जोड़ा और तय किया कि अब हम बच्चों के लिए सीएम। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में सहभागिता की एवं उपस्थित जनसमूह का अभिवादन स्वीकार किया। नागरिकों ने मुख्यमंत्री जी का पुष्प वर्षा कर आत्मीय स्वागत व अभिनंदन किया। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चयनित 200 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें शुभकामनाएं दी। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा जिले के कुरवाई में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में सहभागिता कर 326 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को अनेक सौगातें। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। विदिशा जिले के कुरवाई में सीएम श्री चौहान ने जनदर्शन कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान अपार जन समूह द्वारा सीएम श्री चौहान का आत्मीय स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्याम नहर स्थित उद्यान में पीपल, कदम और मोर्शी के पौधे रोपे। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। संतों के मार्गदर्शन में कटनी जिले में स्नेह यात्रा शुरू हुई जो लोगों को सामाजिक समरसता का संदेश दे रही है।